ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, सीक्रेट हिंदुस्तान न्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत है। साउथ फिल्मों के बढ़ते दबदबे के बीच बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के दो दिग्गज अभिनेताओं के बीच भाषा को लेकर विवाद हो गया। हाल ही में साउथ स्टार किंजा सुदीप ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अजय देवगन ने उनकी इसी बात पर उन्हें जवाब दिया। अजय देवगन ने ट्वीट करके कहा, मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपने मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जनगण मन। अजय देवगन उन बॉलीवुड कलाकारों में से एक है जो अक्सर अपने काम से काम रखते हैं और किसी तरह के पचड़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर बयानबाजी से भी बचने की कोशिश करते हैं। इस बार देश की मातृभाषा हिंदी को लेकर साउथ सिनेमा के विलन किंचा सुदीप ने कुछ ऐसा कह दिया कि अजय देवगन उन्हें करारा जवाब देने के लिए मजबूर हो गए। अजय देवगन ने किंचा सुदीप को हिंदी के अपमान के लिए जमकर ट्विटर पर सुना डाला। इन दिनों जहां बॉलीवुड के भी बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा के कलाकारों का राज चल रहा है, वहीं इस इंडस्ट्री के विलन किंचा सुदीप का एक इंटरव्यू इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। किंचा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अजय देवगन ने उनकी इस बात पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। अजय देवगन ने ट्वीट पर किंचा सुदीप को टैग करते हुए लिखा है, किंचा सुदीप, मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपने मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जनगण मन। हालांकि किंचा सुदीप ने भी फौरन अजय के इस ट्वीट पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है, हेलो अजय देवगन सर, जिन कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो बात कही है मुझे लगता है कि वह आपके पास काफ़ी गलत तरीके से पहुंची है। उन्होंने कहा है कि उनकी बात को गलत तरीके से लिया गया है। उनके कहने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी विवाद को बढ़ावा देने का नहीं था। उन्होंने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर। उन्होंने आगे लिखा, और सर अजय देवगन, आपने जो हिंदी में टैक्स लिखा है वह मैं समझ गया, और वही इसलिए कि हम सभी ने हिंदी का सम्मान किया है, प्यार किया है और सीखा है। कोई अपमान नहीं कर रहा है सर, लेकिन सोच रहा था कि यदि मैं अपना जवाब कन्नड़ में टाइप करता तो क्या स्थिति होती, क्या हम भी भारत के नहीं है सर। बता दे कि किंचा सुदीप ने कहा था कि पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ में बन रही है और मैं इस पर एक कलेक्शन करना चाहूँगा। इसी दौरान वह बोल गए थे, हिंदी अब नेशनल लैंग्वेज नहीं रही है। आज बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में की जा रही है, वह तेलुगु और तमिल फिल्मों की रिमेक बन रही है, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल कर रही है।